हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे लोगो सीरीज पे, जिसपे हम डेली एक एक लोगो के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ, और साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिलते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं आज का नया लोगो। ये रहा दोस्तों आज का लोगो, लोगो नंबर 7 पे कैट। वो बेसिकली सब लोगों का काम CorelDRAW पे होता है, तो मैं भी CorelDRAW ही यूज़ करूँगा। ये रहा दोस्तों आज का, तो जैसे कि आप जानते हो इसका डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने CorelDRAW उस पर ओपन करके आराम से कट कर सकते हो, वीडियो करेंगे। इसको मैं आज बाइक के जो फ्रंट ब्रेक फ्लूड आता है ना, तो वो बॉक्स पे आज मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो इसका साइज़ बहुत ही छोटा रहेगा, 7.5 × 0.8 समथिंग होगा। तो इसको मैं जल्दी से कट कर लेता हूँ। सो कट करने के लिए मैं फ्लेक्सी साइन यूज़ करूँगा, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा और फ्लेक्सी डिज़ाइन ओपन कर लूँगा। तो फ्लेक्सी के बारे में इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो पर बता दिया है। तो यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं, और पेस्ट करने के बाद ब्लेड आइकॉन पे क्लिक करके इसको कट कर लेते हैं। तो जैसे ही ये ओपन होगा इसको हम बस सेंड कर देंगे, तो ये सीधा कटिंग प्लॉटर पे चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप थोड़ा कटिंग प्लॉटर का कमाल देखते हैं। तो ये कैटरपिलर का लोगो आप किसी भी कलर पे कट कर सकते हो, तो मैं आज येलो पे कट करूँगा, ताकि ये बहुत दूर से अच्छा शाइनिंग इफेक्ट देता है। जो बाइक पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो वो बाइक पर ऑलरेडी एक साइड पर येलो कलर पर लाइट उड़ रहे हैं, तो मैं इसको येलो पे कट कर लूँगा, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो मैं इस पर येलो रोल अप्लाई कर लेता हूँ मेरे कटिंग प्लॉटर पे। फिनाइल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और सभी स्क्वीज़र ब्लेड सभी का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हालांकि मैं भी सब कुछ अमेज़ॉन और ऑनलाइन से लेता हूँ, तो आपको भी वहाँ से ईजी मिल जाएगा, तो वहीं से आप डायरेक्ट जाके ले सकते हो। तो जैसा कि देख सकते हो दोस्तों ये कट हो रहा है। तो जैसे कि आप जानते हो इसका डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने CorelDRAW उस पर ओपन करके आराम से कट कर सकते हो। तो ये कट हो गया दोस्तों, तो इसको हम प्लॉटर से निकाल लेते हैं। तो प्लॉटर से निकालने के बाद जल्दी से इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के लिए मैं ब्लेड यूज़ करूँगा, हालाँकि जो इस पर 2 तरह के ब्लेड यूज़ होता है, तो दोनों ब्लेड मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, चाहे तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो, डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है। तो आज का लोगो जो है, तो इस पे हम 2 कलर यूज़ करने वाले हैं। पहले येलो यूज़ करेंगे, येलो ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, तो इसके साथ हम मैट ब्लैक भी यूज़ करेंगे। तो मैं इसको सिंपली गम टेप से निकालूंगा, और गम टेप से निकालने के बाद मैट येलो स्टिकर पे इसको पहले अप्लाई करूँगा। तो उसके बाद मैं स्केल का मदद से इसको कट कर लूँगा। कट करने के बाद फिर मैं इसको मेरे जो बाइक है उस पर मैं अप्लाई करूँगा। तो सिंपली आप देख लीजिए दोस्तों, इसको मैं स्टेप बाई स्टेप करता जाता हूँ। तो ये रहा स्केल दोस्तों, मैं स्केल से मदद से इसके जस्ट बॉर्डर कट कर लूँगा। तो आप चाहिए तो इस पर थोड़ा सा साइड पे एक्स्ट्रा रख सकते हैं, या ना भी रख सकते हैं। तो मेरा बाइक का जो कलर ब्लैक ही है, तो मैं इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लूँगा, ताकि जब अगर नहीं चाहिए तो निकालते वक्त ये आसानी होगी। तो मैं इसको कट कर लेता हूँ दोस्तों। तो इस पर हम डबल स्टिकर है, तो हम इसको आराम से ब्लेड से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए कोई गम टेप की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ और जस्ट बाइक पे अप्लाई कर देता हूँ। तो आज के लिए यही लोगो दोस्तों, कल मिलते हैं नए लोगों के साथ। सो ये रहा दोस्तों आज का लोगो। सो कमेंट में बताइए आज का लोगो कैसा रहा, और अगर आपको कोई लोगो सजेशन करना हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे बता सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों कल अगर नए वीडियो के साथ।